पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसको दो बार लगाया तो हमें मिल गया डाइपोल की वजह से। सेम वही फंडा यहाँ यूज करेंगे और यहाँ पे तो हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ए वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर स्केलर क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी। वेक्टर को ऐड करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एंगल होगा, कंपोनेंट लोगे, फिर कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा, तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। बट स्केलर क्वांटिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। नहीं तो सिंपली जहां भी वैल्यू निकालना, सिंपल एडिशन करोगे, आपको धड़ाक से आंसर मिलेगा। देखो ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ, एक डाइपोल दिखेगा आपको, ये पॉइंट Q1 है, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, तो दोनों को अगर मिला दो तो बन गया डाइपोल, ठीक है। यस अब इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे देखना, इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे मुझे एक पॉइंट पी मिल गया, ठीक है। एक्सियल लाइन पे पॉइंट पी है, उस पर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, यानी कि +1 कूलाम का एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज, ठीक। अब मुझे इस पॉइंट पी पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो क्या मैं ऐसे कर लूं कि एक बार ए और पी को ले लूं और दूसरे बार बी और पी को ले लूं, ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में कैलकुलेट कर लूं और बी और पी के बीच में कैलकुलेट कर लूं, तो मुझे दो दो वैल्यू मिलेगी, दो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली दोनों को ऐड करूंगा तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डायपोल ए बी, ठीक है। बस यही करेंगे, देखो दोनों क्या किया, फॉर पी एंड प्लस क्यू, पॉइंट पी एंड प्लस क्यू, प्लस क्यू मतलब बी वाला, ये वाला केस लिया, तो एक बार इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इन दोनों के लिए कैलकुलेट करूंगा तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, के क्यू बाय आर, इन दोनों, इन दोनों के लिए के क्यू बाय आर यूज करूंगा, तो के तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू बाय आर, आर क्या है, आर इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, एक तो ये प्लस क्यू है एंड द अनदर वन इज द टेस्ट चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज द सेपरेशन, सर आर तो ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू बताओ, डायग्राम से देखो सर ज्योमेट्रिकली, एल एक्स माइनस एल, भाई देखो डाइपोल जब डिफाइन किया था तो लेंथ ऑफ डाइपोल वाज 2L है ना, 2L में आधी लेंथ आ रही है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो कि ये दिख रही है और आधी आ रही है राइट साइड में, तो अब मुझे बताओ कि मैं लेंथ जब लेता हूँ यानी कि दूरी लेता हूँ डाइपोल से तो उसके सेंटर पॉइंट से लेता हूँ ना, तो सेंटर पॉइंट हो गया O, अब O से दूरी बता दो किसकी, पॉइंट P की, तो वो आपकी एक्स नेट, माइनस एल वो हाँ वो एक्स आपकी माइनस नेट, एल ओ से दूरी पी की कितनी है, एक्स, ये ओ से पी की, ओ से पी की तो ये दे रखे ना नीचे एल एक्स, अब मुझे, अब लेकिन मैं डायपोल से दूरी तो दे दी एक्स, तभी तो एट अ पॉइंट दैट इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल, तो ओरिजिन से इसके सेंटर पॉइंट से दूरी है एक्स, इसीलिए बोला कि पॉइंट की दूरी डायपोल से एक्स है, बट उसके इंडिविजुअल चार्जेस से बताओ तो ये प्लस क्यू है, इससे क्या होगी ये वाली, बी से पी तक की, तो बी से पी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एल, ये वाली तो पूरी एक्स है और उसमें ये वाली एल है, तो एल वाली को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो केवल ये बचेगी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस एल, तो पहला लगाया फॉर्मूला पी और क्यू के बीच में, ए क्यू बाय आर, आर की वैल्यू एक्स माइनस एल, ये हो गया पोटेंशियल एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होगी, पी एंड माइनस क्यू चार्ज के बीच में, ये पी और ये माइनस क्यू चार्ज, तो इनके बीच में लगाओगे तो के क्यू बाय एक्स प्लस आर, एल हाँ अब देखो चार्ज है वो है माइनस क्यू, ए तो ये लिख दिया, चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रख दी, और आर कितना है, एक्स तो ये वाला और एक्स्ट्रा एल, प्लस एक्स ये वाला और एल एक्स्ट्रा, एक्स प्लस एल, तो मुझे दोनों वैल्यू मिल गई, यानी कि एक तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है और दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है, अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल, तो दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो ये क्यू बाहर आ जाएगा, बचा ये एक इसका, ये एक्स माइनस एल और ये माइनस ये वाला, तो सोल्व कर लो, बस सोल्व करके आपको नेट पोटेंशियल मिलेगा जिसकी वैल्यू आएगी के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो कि होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो पी को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मतलब क्यू, सेपरेशन कितना 2L, तो क्यू इंटू 2L या फिर 2 क्यू एल,
2QL क्या है, P. तो 2QL को आपको मूल्य लो डायपोल मोमेंट और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आएगा 2QL है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलेगा Cp. तो दिस इज, ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डायपोल. ये डायपोल से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी वी की वैल्यू बतानी है. तो बता पाए कि नहीं बता पाए, तो आया क्या, यस सर, ए इनटू पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, यस सर. तो ये वाला फॉर्मूला आ गया इसका. सिंपल था कि टफ था पहले के इससे? सिंपल फील्ड था, फील्ड से सिंपल है ना. फील्ड में हम क्या कर रहे थे, हम लोग वेक्टर वेक्टर के टर्म्स में बात कर रहे थे वहां पे, लेकिन यहां मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा. अब देखो, अब दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने बता दिया एक्सियल पॉइंट पे, तो दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? इक्वेटोरियल. अब इक्वेटोरियल पे देखते हैं, देखो पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो देखो ये वही डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये लाइन बनी, इसका सेंटर पॉइंट चूज करेंगे ओ. अब सेंटर पॉइंट से ऊपर कुछ ऊंचाई पे ले जाएंगे क्यू को, ये हो गया वाई, वाई ऊंचाई पे, ठीक है. तो दैट क्यू पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था, इससे बिल्कुल ऊपर ले गए इसको ऐसे, और यही लाइन होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल लाइन पे एक चार्ज प्रेजेंट है, उस पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है. तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल? जीरो. जीरो, बिल्कुल सही आंसर है आपका. जीरो क्यों होगा, देखो वो देखते हैं, बच्चे ने बोला ना कि जीरो, अभी देखते हैं. देखो हमें पता था कि फॉर अ पॉइंट चार्ज वी कैन राइट के क्यू बाय, बोलो बोलो, आर, के क्यू बाय आर. जब मैं फॉर्मूला रिपीट करता हूँ तो आप अपने मन में भी उस फॉर्मूला को रिपीट करना, ठीक है, ताकि आपका भी रिविजन होता रहे. भाई मैं अपने लिए रिवाइज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बार बार. तो मैं जब बोलता हूँ के क्यू बाय आर, या तो आपका अनम्यूट है माइक, अनम्यूट रख सकते हो तो बोलो क्लास में, नहीं तो आप अपने बैक ऑफ द माइंड में बोलो हाँ के क्यू बाय आर, तो वो ध्यान रखिए. अब देखो के क्यू बाय आर, बी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर आपको मिल गया है. इसके बाद देखो 1/4πε q अपॉन r. अब r की वैल्यू क्या है, जब मैं पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ, देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट, यानी ये पॉइंट q ये था और पॉजिटिव चार्ज किधर है, पॉइंट b पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या लिख सकता हूँ, bq. bq से q की दूरी bq. अब देखो मैंने क्या लिखा, k q by r, r is bq. अब bq की वैल्यू कैन आई फाइंड आउट? यस सर. पर नहीं करेंगे. चलो सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड के लिए लिया नेगेटिव चार्ज के लिए, तो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, दूरी क्या लेंगे, ए क्यू. ए क्यू, तो क्या लिखा बच्चों, चार्ज तो था नेगेटिव, तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ गई अपॉन ए क्यू, सही है. अब मुझे आप रिलेशनशिप बताओ ए क्यू एंड बी क्यू के बीच में, ए क्यू और बी क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ज्योमेट्री को देख के बताओ. दोनों पे एंगल थीटा प्रेजेंट है. क्या आप ये लिख सकते हो ए क्यू और बी क्यू बराबर है, ऐसा फील आ रहा है? यस सर. क्यों आ रहा है बताओ, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू सर, इक्वल डिस्टेंस पर सेपरेट डिस्टेंस है सर. ये देखो बताता हूँ बच्चों, ट्राइंगल ए क्यू ओ यानी ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल बी ओ क्यू यानी ये वाला, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है. Yes, क्यों sir. है बताओ, क्योंकि एक लाइन ये एल है, ये एल है, फिर थीटा भी बराबर है, और इनका ये भी बराबर है, ये वाली लेंथ, तो किसी ट्राइंगल की दो लेंथ बराबर और एक एंगल, तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से. yes, yes, sir. और वो तो चलो सिमिलैरिटी विमिलैरिटी याद भी नहीं है, तो आपको दिख ही रहा है भैया ये सिमिलर है, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये लाइन बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वाली साइड भी बराबर होगी. अब देखो पोटेंशियल के लिए, हाँ जी डाउट है बच्चे? नो सर. अब देखो पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो. ऐड जब करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है पता है, क्यू बाय 4πε0 ये तो आ गया कॉमन, यानी के क्यू बाहर कॉमन आ गया, बच गया क्या 1/bq माइनस 1/aq. अब बताओ बी क्यू और ए क्यू तो थे बराबर, तो बीच क्या बच जाएगा ब्रैकेट वाली वैल्यू, टोटल पोटेंशियल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल इज इक्वल टू जीरो.
तो क्या ये इसी केस में होगा कि क्यू की वैल्यू कहीं भी रहो, चाहे क्यू यहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे यहाँ पे रहो, चाहे यहाँ पे रहो, चाहे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रहो या फिर किसी नीचे वाले इंक्लाइन लाइन पे नीचे पॉइंट पे रहो, क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि सब पे जीरो रहेगा? यस तो मान लो बच्चे यहाँ पे है, मान लो मैंने बोल दिया क्यू टू ये पॉइंट है, तो इधर भी तो ऐसा ट्राइंगल बनाओगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगी साइड, बराबर होगा तो फिर ब्रैकेट की वैल्यू जीरो। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो उस केस में दोनों ही आएगा जीरो वैल्यू, जीरो। तो हमेशा क्या याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्विटोरियल लाइन पे हमेशा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा जीरो। ठीक है, ठीक है। अब देखो और चीज बताते हैं आपको, एक अच्छी चीज बताता हूँ, अब ध्यान से देखना। ये तो चलो बात होगी, अब मेरे को सिर्फ ऐसा पॉइंट बताना, खुद बताना सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट ओ, क्या ये पॉइंट ओ इक्विटोरियल लाइन पे है? नो सर। यस सर, दोनों पे है, एक्सियल पे भी इक्विटोरियल पे भी। तो एक्सियल पे भी है और इक्विटोरियल पे भी, तो ये बताओ कि इक्विटोरियल पे है कि नहीं? नो सर। नो सर। अरे है भाई, आप एक बार बोल रहे हो कि एक्सियल पे भी इक्विटोरियल पे भी है, तो अपनी भाषा को देखो ना कि इक्विटोरियल पे भी है, आप बोल रहे हो ये बात, तो मतलब है ना इक्विटोरियल। अरे भाई, इक्विटोरियल पे भी है, तो जो चीज एक्सियल पे भी इक्विटोरियल पे है तो जाहिर सी बात है इक्विटोरियल पे तो है ही, तो ये पॉइंट इक्विटोरियल पे है। तो अगर मैं इसमें ट्राइंगल बनाने लगू तो, या ट्राइंगल नहीं भी बनाऊ तो आप बताओ क्या लिख सकता हूँ इसमें? वन के पॉजिटिव चार्ज के लिए के क्यू बाय आर इक्वल टू ए हो गया ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, और दूसरा हो गया नेगेटिव के लिए क्या हो, माइनस क्यू अपॉन ए माइनस माइनस अपॉन बी, ओबी लिख दो या बी ओ लिख दो। यस अब बताओ, तो ए और ओबी बराबर हैं? यस क्योंकि दोनों की वैल्यू एल है बच्चे, तो हमें पता है ना कि सेंटर पॉइंट से, तो अब ये ए और ओबी दोनों बराबर, तो क्या लिखूंगा के क्यू बाय एल माइनस के क्यू बाय एल, कट गए उड़ गए दोनों। हमारी ये बात सही निकली कि कोई भी ट्यूटोरियल पॉइंट ले लो उस पे क्या रहेगा जीरो। तो अब दोनों डेरिवेशन समझ आई, पहले वाली भी हो रही है। ठीक है, तो हो गया काम खत्म। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक काम करो, छोड़ अभी आप ना एक मिनट ले लो, पहले आधे मिनट के लिए पहले वाले डेरिवेशन को देखो फिर इसको देखो, है ना, ताकि आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में वो बात घुस जाए, फिर हम लोग आगे देखेंगे इक्विपोटेंशियल पे। एक मिनट बाद जाए, ठीक है, इस डेरिवेशन को देख लो, तब देख लो अच्छे समझ आ जाए, हैंड रेज कर देना, तो मैं मेरी तरफ से कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ यार नाउ वी आर गुड टू गो टू द नेक्स्ट डेरिवेशन। एक बार स्टेप बाय स्टेप पढ़ लो इसको। चलो ठीक है, देख लिया। अब सेम पैटर्न पे दूसरा डेरिवेशन है उसको भी देख, फिर एंड्रेस कर लेना जब हो जाए तो। यस, इस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया बच्चों, उसी सीक्वेंस में देखना, पहले इक्विटोरियल पे फिर ये ओ वाले के लिए कैलकुलेट करके देख लेना इस फॉर्मूले से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे एक आधे सेकंड में हाथ ऊपर मत करो, पहले पढ़ लो लाइन से ना, आता होगा लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा, करो।
चलो देख लिया भाई सबने? यस ठीक है, चलो अब बताऊंगा मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, ठीक है? एक सेकंड, चलो अब किसी को पता है क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई? सर जिसके सारे सरफेस इक्वल होते हैं उसके सारी साइड इनके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है। चलो ठीक है, कितना एक्सपेक्टेड है बताते हैं। आपने ठीक ठाक बताया, मतलब एग्जैक्टली सही नहीं बताया, सरफेस होगा, चलो इतना तो समझ आता है कि इक्वी मतलब इक्वल होगा कुछ, ठीक है। और पोटेंशियल मतलब तो आपको पता ही है कि V, और सरफेस पता है सरफेस क्या होता है? यस सर, यस सर। तो ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल क्या रहे? इक्वल, सेम। तो इसका तो नाम ही खुद बता रहा है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर पोटेंशियल सेम रहेगा उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। आप देखो बिल्कुल सही बता दिया, जैसी डेरिवेशन है आपने क्या बोला कि ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल इक्वल रहेगा वो इक्विपोटेंशियल। ठीक है भाई, काम भी नहीं बच्चे अपने आप को, कैमरा बंद कर दो। अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है, सही आ रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा ठीक है बच्चों, किसी के ना बैकग्राउंड से नॉइज आए तो आप म्यूट कर लिया करो। यस सर, के रखो, दैट इज फ्री है ना, आप लोग फ्रीली आराम से शांति से बैठ के पढ़ोगे, मस्त होगे, दैट इज द बेस्ट एजेंडा। पर ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब, बस इतना सा, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि कभी आवाज आ जाए, सही है, सब लोग घर पे रहते हैं, हम अपने बोल दे रहे मैं डांट मारूंगी, मैक्सिमम तो ये होता है ना कि आगे एकदम बोले भाई कितना पड़ेगा खाना खा ले, बोला हुआ ऐसा खाना खा लो चलो, yes, तो होता ही है, सबके सबके साथ होता है यार, हम सब लोग हिंदुस्तानी है तो इसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर ज्यादा नॉइस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज किसी को डिस्टर्ब करे, म्यूट कर दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने स्क्रीन तो नहीं छोड़ दी भाई, बोला बच्चे आप यहाँ पे? हाँ है, आराम से बिंदास होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब देखो नाम जब आपको एक बार समझ आ गया तो आपको पता चल गया कि इक्वी मतलब ऐसे सरफेसेस जहाँ पे क्या पोटेंशियल क्या हो, बस यही डेफिनेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनका महत्व क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझेंगे, और एक दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चलो अब मेरे लिए डेरिवेशन कौन, मेरे लिए ये डेफिनेशन कौन पढ़ेगा इन पर, हैंड रेस करो। अच्छा देखो बच्चों एक बात बताता हूँ, मैं हैंड रेस सभी बच्चे किया करो, क्यों? तो उससे दिखता है कि आप सीरियस हो क्लास में, क्योंकि यार पढ़ने में तो क्या ही जा रहा है, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड रेस कराया कुछ भी पढ़ दोगे, इंग्लिश तो आपने सबने पढ़ी, ठीक है। तो अब मैं रेंडमली ऐसा नाम चूज करूंगा जिससे मेरी आज तक बात नहीं मिलती, मोनू, मोनू मोनू नाम से ज्वाइन किया, बच्चे पढ़ो एक बार डेफिनेशन क्या दिखा रहा है। सर मे भी उसके माइक में ना प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं उसका माइक ऑन होता है। हाँ ओके, कोई बात नहीं, यस सर, कोई इशू नहीं भाई, करुणा, करुणा सर आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उसकी। अरे भाई सबको इशू आ रहा है। केतकी सतवालिया, सब लोग एकदम चिल आउट बंदे हैं ना, सर आप ही पढ़ा दो हमको नहीं बताएंगे कुछ। ओके नीता आप बता दो, नीता ने लाइक लाइक किया, नीता का थम्स अप किया, आप बता दो पढ़ लो क्या लिखा।
A surface at every point of which the potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface. Same बात लिखी हुई है. A surface yes, at sir. Every point of which potential due to charge distribution is same in all is called equipotential surface. देखो कोई surface होगा ऐसा बोल रहे हैं एक surface है जिस पे charge distribution की वजह से अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस पे नहीं रहेगा मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और रहेगा उसकी वजह से इस पोटेंशियल इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है इक्वल है ना मान लो जैसे मान लो क्या बोलेंगे अरे पहले हम पढ़ रहे थे ना पहले पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे थे तो ऐसा था ये क्यू है और इससे कुछ दूरी पे क्यू है तो जब इसकी दूरी वेरी कर रहे थे आर इधर उधर जा रहे थे तो मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही थी ना यस सर लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप मूव करोगे जब आप एक इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल बराबर रहे उस पर जब आप मूव करोगे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे तो उसमें क्या होगा पोटेंशियल की वैल्यू यानी वी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही भाई आप क्या कर रहे हो v की वैल्यू चेंज नहीं v हर जगह सेम ही है तो आप चाहे इधर मूव कर लो इधर या इधर या इधर तो अब देखेंगे इक्विपोटेंशियल ऐसा सरफेस कैसे पॉसिबल है लग रहा है ना थोड़ा कि यार जब r को वेरी करे तो पोटेंशियल चेंज होना चाहिए यस सर यस सर लेकिन ऐसा कौन सा सरफेस है जहां पे चेंज नहीं हो रहा तो देखो आपको इनडायरेक्टली ऐसा दिखेगा कि r सच में चेंज नहीं हो रहा आर की वैल्यू फिक्स है तो देखो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए कोई पोटेंशियल सरफेसेस कौन से होंगे दिख रहे हैं स्क्रीन पे प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो प्लेनर होंगे यानी 2D प्लेन्स होंगे जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी जैसे ये पूरा का पहला वाला प्लेन है ब्लू कलर का इस पे V1 है दूसरे नंबर वाले प्लेन पे V2 है और तीसरे नंबर वाले पे V3 तो अब इस पूरे जैसे V1 ले रहे हो ना फर्स्ट प्लेन तो इस पे हर जगह पे इस पे कोई भी पॉइंट ले लो हर पॉइंट पे क्या रहेगा V1 ही रहेगा V2 वाले पे हर पॉइंट पे V2 ही रहेगा और इस पे कितने पॉइंट कहीं पे पॉइंट चूज कर लो V3 जाने वाला है तो ऐसा क्यों हुआ देखो अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है कोई बताएगा मुझे फिर समझाऊंगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा तो यूनिफॉर्म कैसे होगा यूनिफॉर्म जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा सेम चलो देखते हैं डायरेक्शन में सेम कैसे जाएगा भाई तो पूछ रहा हूँ बच्चे सेम में तो जाएगा अभी करें देखो ध्यान से सुनना आप जिनको कंफ्यूज डाउट समझ आया ना कि मैं पूछ कर रहा हूँ ये बात समझ आई ना कि बात किसकी कर रहे हैं ठीक है अब देखो इसका आंसर समझो अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर भी आएगा ये एक इनफाइनाइटली चार्ज वो है सरफेस प्लस इनफिनिट तक चला गया और नीचे माइनस इनफिनिट तक अरे भाई मैं गया सब इससे मैनुअल टाइम वेस्ट हो जाता है हमारी क्लास होती है छोटी सी इसमें मैं सोचता रहा तो कितना पढ़ा दूं बहुत ज्यादा लेकिन हम लोग पढ़ते पढ़ते ना क्लास का टाइम बढ़ा ले थोड़ा सा यस सर यस सर सवा घंटे करा दूं इसको यस सर तो देखो बच्चे ये पॉजिटिव प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज सरफेस था जो क्या हो रहा है प्लस इनफिनिटी यानी ऊपर भी प्लस इनफिनिटी तक है और नीचे भी ये इनफिनिटी तक है माइनस है ठीक है सेम यहाँ पे दिस इज प्लस इनफिनिटी एंड दिस इज माइनस अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी थी ना कि दे अमर्ज परपेंडिकुलरली फ्रॉम अ चार्ज सरफेस याद है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब आपका इनफाइनाइट सरफेस होगा तो उसको परपेंडिकुलरली अमर्ज करेंगे और इधर आ जाएंगे परपेंडिकुलर एमर्ज करेंगे और परपेंडिकुलरली इसमें चली जाएगी दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगी अगर इन पैरेलल है yes, sir. और बैंड क्यों नहीं हो रही कोई मुझे बताएगा कि ये बैंड क्यों नहीं हो रही भाई हम लोग जब पॉइंट चार्ज के लिए बना रहे थे तो ऐसे जा रही थी एक इधर ऐसे जा रही बैंड क्यों नहीं हो रही स्ट्रेट क्यों जा रही है क्योंकि यूनिफॉर्म है बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बच्चों इनफाइनाइट
तो इनफिनाइट वाले पॉइंट पे तो हो सकती है बैंड हो जाए, लेकिन इनफिनाइट क्या होता है बहुत दूर तक, तो इसका मतलब जितनी भी लाइनें रहेंगी वो क्या रहेंगी स्ट्रेट रहेंगी ऐसे। आपको ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से एमर्ज हो रही है, दे ऑल्सो एमर्ज परपेंडिकुलरली फ्रॉम अ सरफेस, तो परपेंडिकुलरली भी हो रही है, एंड दे सिंक इनटू द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव में जा रही है, तो दिस इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बस यहाँ पे एक चीज रह गई जो डिफरेंस है, वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बने तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट, अरे भाई एट अ गिवन इंस्टेंट टेंजेंट टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर, पढ़ी थी ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो अब एक स्ट्रेट लाइन है उस पर टेंजेंट कितने भी ड्रॉ कर लो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे इसी के ऊपर टेंजेंट आते जाएंगे, मतलब क्या हुआ अ स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट टू इटसेल्फ, देखो तो फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल लो चाहे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहने वाला है एक ही, लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट इधर था लेफ्ट में और पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज था राइट साइड। अब देखो अगर मैं दूरी लूंगा, मान लो मैं यहाँ पे प्लेन ड्रॉ करूँ, एक प्लेन सरफेस ड्रॉ करूँ जिसपे मैं बोलता हूँ कि इस पे वी वन पोटेंशियल है, तो क्या ये दूरी हमेशा आर ही तो है, ये वाली भी आर रहेगी, ये भी आर ही रहेगा, तो किसी भी पॉइंट का ले लो आर ही रहने वाला है, yes, sir. तो क्या आर चेंज हो रहा है इधर? No, sir. फिर पोटेंशियल वाली जो फॉर्मूला था के क्यू बाय आर जो हम लोग उसके लिए देख रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही, मतलब पोटेंशियल रहेगा बराबर, चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर, तो आर बराबर, तो मतलब पोटेंशियल कहीं भी ले लो वी वन ही रहेगा। अब ये पोटेंशियल बदलेगा कब, जब आप इस प्लेन की दूरी बढ़ा दो, यानी कि आर वन से आपने बढ़ा के क्या कर दिया, आर टू कर दिया, आर टू दूरी पे, दिस वन इज आर टू, दिस वन इज ऑल्सो आर टू एंड दिस वन इज ऑल्सो आर टू, भाई जब आर टू रहेगा तो हर जगह हर पॉइंट का आर टू ही है, यानी कि हर जगह वी वन वी टू पोटेंशियल। अब समझ आया इक्यू पोटेंशियल कैसे आ रहा है? Yes, अब प्लेन पे किधर भी चले जाओ हमेशा उसकी दूरी तो आर ही रहेगी, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा आर दूरी पे रहेगा, थ्री डी में इमेजिन करो इसको। Yes, sir. ठीक है, अब वापिस आ जाओ, अब देखो ये फर्स्ट था उसका मान लो आर वन था, इसकी आर टू दूरी थी, इसकी आर थ्री दूरी थी, तो कुछ इधर रहा होगा ऐसे इनफाइनेटली पॉजिटिव प्लेट या चार्ज ऐसा, और इधर नेगेटिव रहा होगा, तो मतलब क्या हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए दो चीज रिक्वायर्ड, इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव, अब ये जनरेट हो गया तो आर वन दूरी पे आर टू दूरी पे कभी भी क्या लोगे ये ऐसा प्लेन लोगे तो कुछ तो दूरी रहेगी और वो हर पॉइंट की फिक्स रहेगी, तो दैट मीन्स प्लेन सर्फेसिज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो प्लेन्स होंगे दीज आर नथिंग बट इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज। कितने बच्चों की बात समझ आई थी, एड्रेस करो जिनको समझ आ गया, ठीक। अब देखो जिनको नहीं समझ आई वो दूसरे पॉइंट के लिए देखो, दूसरा वाला दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज है इसके लिए क्या बनेगा पोटेंशियल सरफेस, थ्री डी में है ये पूरा, इसका इसमें ऐसा एक ऐसी शेप बताओ जिसका अगर r कांस्टेंट कर दिया जाए तो सारे के सारे पॉइंट उस शेप पे r एक ही दूरी पर रहते हैं, 3D शेप सर, भाई एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया इससे r दूरी पे जा रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ आ गया सेम r दूरी पे गया फिर दूसरा पॉइंट आ गया, तो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो इसको अगर सबको जोड़ूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा ना जिसका रेडियस r है, इसमें और अगर इसी चीज को मैं 3D में सोचूं तो क्या बनेगा, 2D में तो सर्कल बन गया लेकिन 3D में क्या बनेगा, स्फीयर क्यूब, अरे स्फीयर बच्चे, यस सर, स्फीयर स्फीयर पे हमेशा रेडियस ऐसे रहेगा ना, यस सर, आ ही रहेगा, तो कांस्टेंट रेडियस का 2D फिगर होता है
सर्कल, और 3D फिगर क्या होता है? स्फीयर। स्फीयर तो अभी आप बताओ पॉइंट चार्ज है, उससे r दूरी पे अगर ले रहे हो क्या आना चाहिए? एक स्फीयर आना चाहिए। स्फीयर आया, तो बहुत सारे अलग अलग रेडियस स्फीयर्स हैं अलग अलग। जब रेडियस बढ़ेगा तब पोटेंशियल बढ़ेगा। मान लो मैं बोलता हूँ इस पे V4 पोटेंशियल है इस स्फीयर पे, इस पे V3 है, इस पे V2 है, इस पे V1 है, और अंदर गए तो V0। तो मतलब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल अलग अलग आता जा रहा है। तो एक सर एक ये दिख रहा है ना सर्कल, इसको स्फीयर इमेजिन करो 3D में। तो एक एक पर्टिकुलर स्फीयर पे तो एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे चले जाओ पोटेंशियल फिक्स रहने वाला है। थोड़ा इमेजिन करना टफ है बट मान लो, और कंसेप्ट आपको समझ आया कि दूरी फिक्स है। वो 3D स्पेस में दूरी फिक्स रखने के लिए मतलब रेडियस क्या रहेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट रेडियस का 3D फिगर क्या होता है? स्फीयर। तो थोड़ा पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नथिंग बट स्फीयर्स, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद कर लोगे ये बात? यस सर। यस ठीक है, क्विज में क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना, फिर टॉप करना है सब, है ना? यस सर। एकदम एकदम है ना, दूसरे अपने अपोनेंट्स के लिए क्या, अगर बैटल ग्राउंड में कोई जाए तो उसको क्या करना चाहिए? भाई आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या होता है, बैटल ग्राउंड ही तो होता है, उसमें अपोनेंट्स कौन होते हैं? आपके प्रतिद्वंदी कौन होते हैं बच्चों? जो आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट्स आपके प्रतिद्वंदी है। तो क्लासमेट्स को क्लासमेट्स पे दया भाव केवल क्लास में रखना है, एग्जाम में क्या करना है? खुद का करना है। एग्जाम में बैटल करनी है, एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है, एग्जाम में टुकड़े टुकड़े कर देना है एकदम, देख लेंगे एक आंखों में देख लेंगे, सी यू देयर। तो ऐसी फीलिंग के साथ रहना है और अच्छे से एग्जाम देना है, ठीक है? यस सर। तो एक दूसरे के लिए एकदम खून लेके उतरना है आंखों में, क्लास में जाओगे एकदम फोन लेके उतरना कि प्यारा दी अख लाल रहती है, तो वो लेके उतर, ठीक है? अब देखो अब देखो हम क्योंकि हम जान गए कि व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अब उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज देख लें। व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सो इंपॉर्टेंट। चलो अब कौन पढ़ेगा, सब लोग हैंड रेज कर लो, जिनको पढ़ना है सबको मौका दिया जाएगा, पढ़ो पहला पॉइंट। शिक्षा यस सर। पढ़ो ये पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज From one point to another on an equipotential surface. ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? देखो लिखा भी हुआ है, इसका explanation blue color के box में लिखा है, but कोई मुझे help करेगा जो इसको मतलब को समझा देगा कि सर आपने ये बताया था इसलिए ऐसा हो रहा है। कौन है वो बच्चा, अनम्यूट करके बताओ। जब वर्क डन कब करना पड़ता है? सर जब चार्ज को जब कुछ फोर्स लगाना पड़े, है ना? या आप जब वर्क डन करते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्या कर रहे थे, चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाए, उधर लेके आए आर दूरी पे, तो जब यहाँ आ गया ये आर दूरी पे, तो जो वर्क डन आपने किया, इधर वर्क डन किया होगा एक्सटर्नल वर्क डन इस पे, तो वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब आप बताओ कि आप ऐसे सरफेस पे मूव कर रहे हो जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। ये तो लिख रहे भाई तब से, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम one point to another on an equipotential surface is equal to zero. ठीक है, अब अगर इसमें डाउट आए तो तुरंत पूछ लेना, बाद में भूल जाओगे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, एड्रेस कर लेना, मैं यथा समय आपको बोल दूंगा कि हाँ बच्चे पूछ लो।
यही बात इधर लिखी है, वर्क डन हो गया। चलो अब सेकंड पॉइंट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दो सेकंड पॉइंट। The electric is also perpendicular to the element dl of the equipotential surface since no work done is work done or equipotential surface. The electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface. Since no work is done on equipotential surface. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि equipotential surface क्योंकि इस पे potential energy same है हर पॉइंट पे, तो वर्क डन नहीं करना पड़ रहा मूव करते में। अब उस पॉइंट को यूज करके सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट पे, डीएल एलिमेंट मतलब क्या हुआ कि एक पोटेंशियल सरफेस था, उसका कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया और उसको बोल दिया डीएल, तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई सा भी छोटा सा टुकड़ा। ये बोल रहा है हर एक ऐसे छोटे टुकड़े के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों वो देखो, क्या इधर पहले ये नोट डाउन कर लो, क्या ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे उनमें परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर पेंडिकुलर क्या इधर दिख रहा है? तो अब जब आपको ये दिख रहा है तो इसका ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अगले। क्या बोल रहा है कि अरे कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो उस पर 90 डिग्री पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ई डॉट डीएल हमने डिफाइन किया था कि कोस थीटा एंगल के हिसाब से वेरी कर, और cos थीटा कब होगा? जीरो। वर्क डन जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा क्या होगा? 90 होगा भाई ना, तो एरिया अगर आप कोई एलिमेंट ले रहे हो तो इसका एरिया नॉन जीरो रहेगा, उसको एरिया रहेगा नॉन जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद नॉन जीरो है, तो दोनों नॉन जीरो, तो बच गया कौन? cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा अगर वर्क डन जीरो करना है तो। यस सर। यस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री। दैट्स व्हाई किसी भी एलिमेंट पे कोई छोटे छोटा टुकड़ा ले लो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, एट एवरी एलिमेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया या फिर एलिमेंट। ठीक है, समझ आया? यस सर। अब देखो दिख भी रहा था लास्ट स्लाइड में, अब थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट पड़ेगा चलो मैं पढ़ देता हूँ थर्ड पॉइंट, बहुत बड़ा सा है ना। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंडिकेट रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये समझ नहीं आया छोड़ दो। सिंस डीवी इज कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, अब ये बताओ डीवी कॉन्स्टेंट है मतलब क्या? चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो ही है, तो कॉन्स्टेंट ही है। तो क्या बोल रहा है? डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। आपको ये पता है ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर? कैसे पता है सर? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगी। तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जिनको पता है उनको ये पता होगा, और इसको अगर कोरिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ई। उसका मतलब क्या हुआ? जितनी दूरी बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, कम होगा। तो E small, dr will be small. जब dr कम होगा यानी कि आपके इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल सरफेसेस नजदीक नजदीक हो, मान लो यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल सरफेसेस अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, और अगर सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जैसे बच्चों ये चार्ज था ना, अगर ये चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना ये बहुत डेंसर बनेंगे, और अगर इसी चार्ज की वैल्यू छोटी होगी तो ऐसा बनेगा। अब बोलोगे क्यों बनेगा? क्योंकि इसको ड्रॉ तो हम ही कर रहे हैं, और हमने ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट इन्वेंट किया तो हम इसी प्रकार से इनको ड्रॉ करते हैं, टू सिग्निफाई सम फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डी आर एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ठीक है, ज्यादा भारी भरकम शब्दों में नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ भी सकते हो। नेगेटिव ग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। अब फोर्थ पॉइंट में मैं ही पढ़ देता हूं, फिर क्वेश्चन कराएंगे। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये कोई बताएगा मुझे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते?
इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा है, सब लोग पढ़ो लाइन से और फिर जो बच्चे मेरे को आंसर बता सकते हैं केवल वो हैं ट्रेस कर। टू इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका आंसर ये सॉल्यूशन पढ़ो और फिर बताओ। सब लोग पढ़ो भाई, सब लोग पढ़ो टाइम से, और जितने बच्चे इसका आंसर मुझे समझा सकते हैं वो बताओ, वो एड्रेस कर लेंगे। थोड़ा बहुत भी गलत भी चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, बट एड्रेस करना। जिनको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि शायद मैं इसका आंसर बता सकता हूँ पढ़, तो मुझे एड्रेस चाहिए सब। एक्चुअली हमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना बच्चों, एग्जाम देने का, बताने का, वाइवा देने का, क्योंकि तब तक अंदर की आवाज ऐसे सुन लोगे कि हाँ यार लग तो रहा है बता पाऊंगा, तो ठीक है एड्रेस करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक बार दो बार चार बार गलतियां कर लो फिर सीख जाओ कि हाउ टू टेल, हाउ टू एक्सप्लेन समथिंग। लग गया मुझे तुमको, मुझे अभी एक और क्लास लेनी है। मुझे जलन फील हो रही है, तो खा लोगे खाना? हाँ जी हैंड रेस करो बच्चों, केवल 9 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के समझा सकते हैं, इतने कम। हम लोग 43 थे, घटकर 38 हो गए, मतलब 5 बच्चे। ऐसे बोलते हैं ना बॉलीवुड की मूवी, 5 बच्चे कट लिए, कट गटली लिए, तो उन लोगों को बताएं अगली क्लास। ये वही 5 होंगे जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया होगा, इन्होंने क्विज भी नहीं दिया होगा। बोले यार क्या ही है सर, जीवन है, अब आ ही गए हैं तो जी ही लेते हैं, उस प्रकार की फीलिंग है। देखो अरे भाई 15, केवल 15 बच्चे ऐसे जो पढ़ के बता सकते हैं, सब लोग पढ़ो ध्यान से इस वाली बात, ब्रैकेट में जो लिखी फिर बताओ बता सकते हो। चलो अब पूछते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, 80-90-17, 17 में से एक चूज करना है, 17 में से एक चूज करना है, तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज। वन वाज 17, देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, 17 में से एक चूज करना है तो कितने तरीके चूज करने हैं। हाँ सत्रह तरीके सी भाई, सोचना क्या है, 17 में से एक उठाना है तो 17 ही तरीकों से उठा सकता हूँ। नहीं भाई आपको बोला जाए एक बता अच्छा दो, तो आप 17 बच्चे हो, तो आप मैं एक का ही तो नाम ले सकता हूँ, तो एक का नाम अगर लूंगा तो 17 ही बच्चे हैं, तो 17 ही तरीके से एक बच्चे को उठा सकता हूँ। वो फॉर्मूला यस से वेरीफाई हो गया, आपको बताया था ना 17C1 या सर, RCNCR, तो वो वाले से वेरीफाई मैंने यूज करके दिखाया इस सिनेरियो में, क्या कि 17 बच्चे हैं उनमें से एक चूज करना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, वैल्यूज रखी तो 17 फैक्टोरियल ऊपर था तो 17 को मैं लिख सकता हूँ 17 फैक्टोरियल को, कि 17 इनटू 16 फैक्टोरियल, और 17-1 ये 16 फैक्टोरियल दोनों कट गए, बचा 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है भाई, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 into 1, तो 1 का क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो ऐसे ही रखा 1 को, तो ऐसे ही उड़ा दो 16 फैक्टोरियल 16, तो बच गया केवल 17। तो व्हेन यू वांट टू चूज वन स्टूडेंट फ्रॉम 17 स्टूडेंट देयर इज ओनली 17 वेज टू डू सो, और वो हमें पता भी है कि 17 में से एक का नाम लेना, तो 17 ही चॉइसेस है मेरे पास। अब उन 17 चॉइसेस में से मैं स्नेहा को उठाता हूँ, बच्चे बताओ आंसर, समझा सकते हो व्हाट इज रिटन ओवर हियर। सर जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगी तो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वैल्यूज आएंगी जो कभी भी पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं सही करेंगी। बात है, क्या बोल रहे हैं कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब क्या हो गया कि वहां पे दो वैल्यू होनी चाहिए फिर पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी वैसे, और अगर वहां पे दो वैल्यूज हो भी जाए तो दोनों को जोड़ देंगे ना भाई,
दो कैसे हो सकती है जब हम मल्टीपल चार्जेस के लिए बात कर रहे थे, एक पॉइंट पी है, इसके इधर एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, इन सब की वजह से कुछ ना कुछ पॉइंट पोटेंशियल आएगा। तो हमने क्या किया था भाई, हमने Q1 की वजह से V1 आया, V2 आया, टू की वजह से V3, तीनों को जोड़ दिया और सारे को जोड़ के क्या लिख दिया, एक V। तो हमेशा एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल पॉसिबल है, और अगर दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब दो पोटेंशियल की वैल्यूज है, मतलब कि झूठ बोल रहा है, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो यही बात हमने देखी ना, यहाँ लिखी हुई है। अब देखो एक छोटू सा क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट कर दो, फिर आपको आजादी मिल जाएगी और बाकी क्वेश्चंस आपको क्विज में मिलेंगे। पढ़ो इसको, ये भी पोटेंशियल की पूरी कहानी सुनी है, इसको पढ़ो। 38 स्टूडेंट है चैट बॉक्स में, सबके आज सब्जेक्ट कर दिया सब कुछ ओवर। यस सर बोल रहे, कर दिया गुड गोबर, सच में कर दिया। अरे एक इसको सही लग रहा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। परेशान हो गया तुम, गलत आंसर दे दिए, पाप है ही। क्या बोलते हैं, जन्नुम की आग में जलोगे? सुनो भाई सुनो, क्या बोल रहा हूँ, अब बताओ क्या आंसर है। तो तुमने सही बोला था ना, जब मैं बोला कि गुड़ गोबर कर दिया तो बोले थे हाँ सर कर दिया था ना। तो ऐसे गुड़ गोबर नहीं करेंगे बच्चों, ऑप्शन सी। ये क्या था, कहाँ से पता चला, प्रॉपर्टी थी ना भाई। यस सर। अब याद रखोगे? यस सर। एक क्वेश्चन और करोगे कि जा रहे हो? सर करेंगे। अभी है ही नहीं यार क्वेश्चन, अब देखो गॉस थ्योरम आ गई, बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन है ही नहीं। अब समझ आया ना चित्र से आपको, ये तो समझ आया कि ये 90 है। यस सर। चलो अगली क्लास में मिलेंगे। यस सर। यस सर। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स है ना, अच्छे 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 मार्क्स के साथ। तो जब भी आपको वो मिलेगा बच्चों, तो वो आप अटेम्प्ट करना।